हमारी प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश आनंदपूर्ण सीखना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो अध्याय 12:2। भारत के मैसूर शहर में ट्रेन के दो डिब्बे को नया स्वरूप देकर और दोनों ओर से जोड़कर एक स्कूल बनाया गया है। स्थानीय शिक्षकों ने दक्षिण पश्चिम रेलवे कंपनी के साथ एक टीम बनाकर खारिज डब्बों को खरीदा और उन्हें नया स्वरूप दिया। ये इकाइयां वास्तव में धातु के बड़े बक्से थे और कर्मियों द्वारा सीढ़ियां, पंखे, बत्तियां और डेस्क लगाए जाने तक अनुपयोगी थे। कर्मियों ने दीवारों को भी पेंट किया और अंदर और बाहर रंगीन भित्ति चित्र बनाए। वर्तमान में आश्चर्यजनक रूपांतरण के कारण यहाँ पर 60 विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। कुछ और अधिक आश्चर्यजनक होता है जब हम प्रेरित पौलुस का निर्देश तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए का अनुसरण करते हैं। रोमियो अध्याय 12:2। जब हम पवित्र आत्मा को हमें संसार और उसके तरीकों से अलग करने की अनुमति देता है तो हमारे विचार और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। हम अधिक प्रेममय, अधिक आशान्वित और आंतरिक शांति से परिपूर्ण हो जाते हैं। अध्याय 8:6। कुछ और भी होता है। यद्यपि यह रूपांतरण प्रक्रिया अविरत है और अक्सर रेल के सफ़र से अधिक ठहराव एवं आरंभ होते हैं, यह प्रक्रिया हमें समझने में मदद करती है कि परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए क्या चाहता है। यह हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां हम परमेश्वर की इच्छा अनुभव करते हैं। अध्याय 12:2। उसकी इच्छा में बारीकियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसमें हमेशा खुद को उसके चरित्र और संसार में उसके काम के साथ संरेखित करना शामिल है। भारत में रूपांतरित स्कूल का नाम नली कली का मतलब हिंदी में आनंदपूर्ण सीखना है। इस तरह परमेश्वर की रूपांतरित करने वाली सामर्थ्य आपको उसकी इच्छा में आनंदपूर्ण सीखने की ओर अगुवाई करती है। आपको जीवन की कौन सी विचार प्रक्रिया क्षेत्र को परमेश्वर के रूपांतरण करने वाली सामर्थ्य की सबसे अधिक ज़रूरत है? जब आप अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को स्पष्टता से समझ लेते हैं तब आप क्रिया करने के लिए कितने इच्छुक हैं। प्रिय परमेश्वर, आज मेरे मन को नवीकृत करने के द्वारा मुझे रूपांतरित कर। जब मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ तो आपको सभी संभव बातों के लिए धन्यवाद। लेखिका जेनिफर बेंसन शुल्टज़।